कि इन क्वेश्चन को अगर आपको समझ नहीं आता तो इन क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके देखिए। जैसे बायजूस ऐप अगर की बायजूस ऐप की ऐड आती है उसमें भी कहता है कि जब तक मेरे डाउट क्लियर नहीं होंगे आई विल रिपीट इट अगेन एंड सा द वीडियो, रिपीट इट अगेन सा द वीडियो। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको भी इन क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो वीडियो को रिपीट कीजिए, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम क्या है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर कोई नंबर में से 1/2 को मैं सबट्रैक्ट कर दूं और जो आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 1/8। लेट्स सी कैसे होगा। हम सबसे पहले क्या अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा नंबर है जिस में से हमको माइनस करना है वो हम अज्यूम कर लेंगे, वो नंबर क्या है x, लेट द नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है हम वैसे वैसे कंडीशन पुट करते रहेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी, देन आफ्टर टू कैन सोल्व आवर क्वेश्चन। चेक इट आउट, x नंबर था हमारा -1/2, उसमें से माइनस किया 1/2, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ, आंसर क्या आ जाएंगे 1/8। अब देखिए हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो 1/2 x से भी होगा, 1/2 -1/2 से भी होगा, तो 1/2 * x 1/2 x -1/2 * 1/2 1/4 = 1/8। अब -1/4 राइट हैंड साइड जाएगी प्लस, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या आया 1/2x is equal to 3/8। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में x equal to 3 into 2/8, 2 को 8 से कैंसिल आउट कर दिया 4 आया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें पैरामीटर दे रखा है, कोई स्विमिंग पूल है उसका पैरामीटर हमको गिवन है कितना 154 मीटर, और एक कंडीशन क्या दे रखी है कि लेंथ और ब्रेथ में कंडीशन दे रखी है हमने, कैसे देखिए कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो उसकी लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है ब्रेथ की ट्वाइस से, कहने का मतलब अगर ब्रेथ 20 है तो लेंथ कितनी होगी उसकी डबल, 20 का डबल 40, 40 से 2 ज्यादा, 40 + 2 = 42। आई होप समझ आ गया होगा क्या कंडीशन है। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, सपोज ब्रेथ 10 है, ब्रेथ 10 है तो लेंथ डबल 20 + 2 = 22 होगी। आई होप आप समझ आ गया होगा कंडीशन क्या कह रही है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरामीटर इज इक्वल टू 154, देन हमने क्या किया इसके अंदर पैरामीटर ऑफ लेंथ एंगल का फॉर्मूला पुट कर दिया, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया मैचुरेशन वाले चैप्टर में किया था। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक बात नोटिस करना, बच्चों को कंफ्यूजन इसके अंदर कहाँ होती है कि हम एक्स किसको लें, लेंथ को लें ब्रेथ को लें, समझिए देखो जिसका भी ट्वाइस गिवन होता है मोस्टली हम उसी को ब्रेथ मानते हैं, उसी को एक्स मानते हैं, सॉरी जिसका भी ट्वाइस, चाहे वो जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे सब में ये नोटिस करना जिसकी ट्वाइस दे रही होगी उसको एक्स माना करेंगे मोस्टली 90% ऑफ द क्वेश्चन में, समझ आ गया। इसमें भी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो हमने ब्रेथ को क्या मान लिया एक्स, लेट बी बी एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी उस ट्वाइस एक्स का ट्वाइस 2x, उससे 2 ज्यादा, तो लेंथ कितनी होगी 2 + 2x। हम क्या करेंगे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट करने के बाद 154 इज इक्वल टू 2 लेंथ की जगह 2 + 2x, ब्रेथ की जगह x, 2 मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड कैंसिल आउट, 2 को 154 से जब कैंसिल आउट किया डिवाइड किया तो 77 इज इक्वल टू 2 + 2x + x 3x, नाउ 2 + 2 होते जाके विल बिकम माइनस 77 माइनस 2 विल बिकम 75, 3x इज इक्वल टू 75, नाउ 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x, व्हेन ही 3 goes on that side, it will divide, then 77 divided by 3, the answer will be 25. Now,
द वैल्यू ऑफ 25 इज ऑफ ब्रेथ, कोई x हमारा क्या था ब्रेथ था, तो ब्रेथ की वैल्यू क्या थी 25 और लेंथ की वैल्यू क्या थी 2 into 2 plus x, तो 2 plus 2 multiply 25, 2 multiply 50, आंसर क्या आ गया 52, तो length 52, yes, now come on question number 3, yes, can you try yourself, yes, you have to try yourself, मैंने hint लिखा हुआ इसके अंदर, क्या hint है कि isosceles triangle have two equal sides and the perimeter of triangle is equal to sum of all sides. Try कीजिए, अगर आपसे try करते हैं फिर भी नहीं हो पाता, then आप मुझे अपने comment box में इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं कि सर इस question में try करने के बाद ही मुझसे नहीं हुआ, then I will solve your problem. देखिए next question पे, question number 4 में क्या कहता है, the sum of two number is 95. हमारे पास दो number है जिसका सम क्या है 95, और दो नंबर क्या है हमको नहीं पता, अब दो नंबर 93 और 2 भी हो सकते हैं, 91 और 4 भी हो सकते हैं, 40 और 45 भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन साथ साथ कंडीशन क्या दे रहा है, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 50, कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, क्या मतलब अगर एक 20 से दूसरा 35, 35 अगर एक 5 है तो दूसरा 20, समझा गया, लेकिन दोनों का सम क्या होना चाहिए 95, देखिए कैसे होगा, हम क्या कर देंगे लेट कर देंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा उसे 15 ज्यादा, ज्यादा का मतलब x plus 15, आई होप यू गॉट माय पॉइंट, कि 15 ज्यादा, एक को x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x plus 15, now according to question, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 95, कि x first number हो गया, ये second number हो गया, तो first number plus second number का सम कितना होना चाहिए 95, करिए x plus x 2x plus 15 उधर जाके will become minus, 95 minus 15 will be equal to 80, 2x means 2 multiply x, 2 when go on that side it will divide, then 80 divided 2 the answer will be 40, and the hence two numbers are 40, one is 40 and second is 15 more than 40, that is equal to 55. Now comes on the next question, देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि दो नंबर है हमारे पास, दो नंबर की रेशियो ले माने, समझ आ गया, two number are is a ratio 5:3, if they differ by 18 what are the number, पहले क्वेश्चन तो क्या कहता है कि दो नंबर हैं उनकी रेशियो है 5:3, समझ आ गया, और उन दोनों में डिफरेंस कितना है 18, कितना डिफरेंस है 18, देखिए कैसे होगा, हम क्या करेंगे कि जो हमारे दोनों नंबर है लेट द नंबर बी 5x 3x, रेशियो हम क्या करते डिवाइड, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5x 3x, x से x विल बी कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/3, दैट्स व्हाई हमने 5x और 3x लिया, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे डिफर, जो दो नंबर हैं वो डिफर करते हैं, डिफर मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 5x minus 3x वो कितना है 18, 18 हो गया, जब इन दोनों को माइनस करेंगे 5x minus 3x will be 2x, then x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे नंबर शीट में 5x और 3x में, 5 × 9 = 45, 3 × 9 = 27, तो दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस 18 हो और उनकी रेशियो 5:3 हो वो क्या होगा, कौन कौन से होंगे वो 45 और 27. Now again जैसे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6th and 7th क्या कह रहा है इसके अंदर, ट्राई योर सेल्फ, देखो इसके अंदर मैं हिंट दे देता हूँ आपको, क्या हिंट है, सबसे पहले समझिए कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव आपको 9th में भी आएगा 10th में भी आएगा, ठीक है, तो ध्यान से समझिए कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार,
समझ आ गया कि कोई भी नंबर लगातार आ जाए, जैसे 1 के बाद तो क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। अब इसके लिए कहते हैं तीन कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं आपने, जैसे मैंने एग्जांपल के लेके बता रहे हैं कि तीन लगातार नंबर कौन-कौन से हैं 1 2 3 11 12 13 101 102, और भी कोई नंबर आप तीन कोई कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप स्टार्ट करें 5, 5 के बाद तीन लगातार नंबर कौन से होंगे 5 6 7, कोई नंबर और लीजिए 15, 15 के बाद क्या होगा 15 16 17, समझ आ गया। पहले कंडीशन तो ये थी कि तीन कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है, ये हिंट है आपका, सारा बता दूंगा फिर आप क्या करोगे, ठीक है। सी ये हिंट है, नहीं होगा देन अगेन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सेवन देखिए, ये भी क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, मतलब तीन लगातार नंबर जो 8 की टेबल में आते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखे 8 16 24 32 40 48 80 88 96, ऐसे ही जो तीन लगातार नंबर होंगे मैंने लिख भी दिया, कौन कौन से होंगे 8x फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर विल बी 8x प्लस 8, थर्ड नंबर विल बी 8x प्लस 16, अगर नहीं दिख रहा तो दोबारा लिख देता हूँ कि पहला नंबर क्या होगा 8x, सेकंड नंबर क्या होगा 8x प्लस 8, थर्ड नंबर क्या होगा 8x प्लस 16। अब जो भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसमें ये वैल्यू पुट करो, देन आपका आंसर